बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मैंने बेड के ऊपर ये चादर सेट कर ली, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और ये दी थी मेरी देवरानी ने, दो मुझे गिफ्ट की थी चादरें, एक तो जो कलर वाली थी जिसमें हर कलर मल्टी शेड में थी, और ये दूसरी ये चादर है। तो इसका जो कवर है ना, ये सिरहानों का कवर यहाँ पे पड़े हैं, क्योंकि ये हैं बिल्कुल छोटे सिरहाने हैं मेरे बड़े, तो ये देखिए मुझे छोटे लग रहे थे, इस वजह से मैंने ये नहीं उस पीलू के ऊपर कवर मैंने लगाया, वो पहले से उसे लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बस ये सही है। तो जैसे कि मैंने आपको ये भी दिखाया कि मेरे बेटे की आज तबीयत सही नहीं है, स्कूल गया अच्छा भला यहाँ से, तो घर से तो गया था, तो अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और सर में दर्द और उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर उसने उसके टीचर ने उसको डॉक्टर के पास भेजा, मगर डॉक्टर क्लिनिक वैसे खुली हुई थी मगर डॉक्टर नहीं था। तो फिर ये घर आया तो मैंने कहा इसे टेबलेट वगैरह दी, मैंने कहा चलो आप आराम कर ले। तो बुखार बिल्कुल भी इसे नहीं है, जिस्म इसका बिल्कुल ठंडा है, मगर इसको ये कह रहा था मुझे सर में बहुत चक्कर आ रहे हैं और दिल ख़राब हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप आराम कर लें। तो अभी मैं भी काम से हुई हूँ फारिग, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। आज की देखें, आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की सी धूप है और हल्के हल्के से देखें बादल भी बने हुए। पहले दिनों से काफ़ी आज का दिन बेहतर है, तो बस अल्लाह करे ये खैर खैरियत से गर्मियां भी चली जाएं। बाकी इन गर्मियों ने तो बहुत हालत ख़राब कर दी है। तो जो ये मेरी लाइट है ये हो गई है ख़राब, ये देखें अचानक से पता नहीं से क्या हो गया, और मैं रात चला रही थी तो ये चल भी नहीं रही थी। वैसे तो मैंने सुबह तिलावत इसमें चलाई थी, तो इसका जो लाउड स्पीकर है वो बिल्कुल सही है, मगर जो इसकी लाइट है ना वो ये ख़राब। तो मैंने कहा चलो टाइम मिले तो इसे थोड़ा सा खोल के देखें, क्योंकि इसकी बत्ती देखें ना अंदर चली गई है, पता नहीं किस वजह से, ऐसे लग रहा है कि काफ़ी से ज़्यादा चोट लगी है। तो देखते हैं। तो आलू बनाऊँगी, चिकन बनाऊँगी, तो जी जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं, खाना बनाने की स्टार्ट कर लेते हैं। तो काम भी माशाल्लाह से हमारा हो गया है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी खाने की शुरुआत कर लेते हैं। और माशाल्लाह से देखें आसमान हल्के, तो अभी हो रहा है रात का टाइम। तो हमारे हमसायों ने दिए चावल जो चने और आलू में बने हैं, चिकन भी है इसमें, बहुत मज़े के बनते हैं बेटा। तो भाई मैं तो नीचे ही बैठती हूँ आपको पता है, तो अभी एक निवाला लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह मज़े के। खाओ समीर, खाओ बेटा। समीर दोपहर कैसे बना था खाना? क्या हुआ था तुम्हें सुबह? तबीयत खराब हो गई। अच्छा क्यों, किस वजह से? पता नहीं, कुछ ऐसा खाया तो नहीं था? मुझे तो लगता है आपने कुछ खाया था। स्कूल वालों में मैंने कहा वहाँ पे कुछ खाया तो नहीं था ऐसी कोई चीज़? बस अल्लाह रहम करेगा। तो चिकन आज बहुत मज़े का बना था, मुझे बहुत पसंद आया ना, हल्के से मसाले थे बिल्कुल, और बस खट्टी खट्टी टेस्ट आ रही थी, बहुत मज़े का बना था।
थोड़ा सा पानी मुझे भी देना। और माशाल्लाह से ये देखिए चावल गर्मा गर्म, तो बिस्मिल्लाह करे बेटा। अभी लाइट आए तो फिर रोटी भी बनाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी ना तो बत्ती भी हमारी ख़राब हो गई है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो लाइट आ जाएगी, 7:45 आ जाती है, तो मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा आ जाओ खा लो बिस्मिल्लाह करो। तो मैंने कहा लाइट जैसे ही आएगी तो इंशाल्लाह खाना बनाऊँगी, दूध भी बॉयल करना है और रोटी भी पकानी है। दोपहर का सालन थोड़ा पड़ा है मेरे पास, तो बस वो ही खा लेंगे। ठीक है, चावल भी है ये, और मेरा हस्बैंड तो दूध के साथ खाता है। ये टमाटर निकाला, तो उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखना। अल्लाह हाफिज़।